हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आप सब की दोपहर भी मेरी तरह ही लाइव देखते देखते निकली होगी, कभी इनकी लाइव और कभी किसी की लाइव, किसी की लाइव, किसी की लाइव, और पूरी दोपहर निकली लाइव देखते हुए। तो आज दो धमाकेदार लाइव हुई, एक सुची की लाइव हुई और दूसरी जो इस सारी कॉन्ट्रोवर्सियल सिचुएशन में खुद को प्रूव करने पर लगी हुई हैं उनकी लाइव हुई। देखिए, मैं नाम किसी का भी ले सकती हूँ, लेकिन दो चीज़ें होती हैं ना, कि एक कंट्रोवर्सी होती है जिस पे कि सारे लोग बात कर रहे होते हैं, और एक पार्ट उन लोगों का होता है जो उस कंट्रोवर्सी का पार्ट होते हैं। तो मुझे सिर्फ इस कंट्रोवर्सी पे बात करनी है, किसी भी कंट्रोवर्सी का पार्ट बनने का मेरा शौक बिल्कुल भी नहीं है। मैं इन सारी चीज़ों से बहुत दूर हूँ और बहुत दूर रहना भी चाहती हूँ। सिर्फ मुझे इस कंट्रोवर्सियल सिचुएशन पे बात करनी है। जब बात आती है कि दो लोगों के बीच में किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अब उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए किसी भी तीसरे बंदे को सामने आना ही पड़ता है, चाहे वो फैमिलीज की बात हो, चाहे वो सोसाइटी की बात हो, सामने आना ही पड़ता है। तो अगर डिस्प्यूट जब हो रहा होता है, उस टाइम पे जो तीसरा बंदा सामने आता है और मीडिएटर का काम करता है, सबसे पहले तो उसे बिल्कुल भी ना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि जब भी वो बातें कर रहा है, जिन भी दो पार्टीज के बीच में वो बातें कर रहा है, तो वो दोनों ही पार्टीज की बातें एक दूसरे तक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से रखे। और यहाँ पे यही गलती हुई थी, जब आपने दोनों पार्टी से बात की और जिसके साथ सब कुछ गलत हो रहा था, यानी कि मनीषा से बातें छुपाई गई। आपका इंटेंशन चाहे जो भी रहा हो, आपका इंटेंशन अगर ये था कि मैं नहीं चाहती थी कि इन बातों से मनीषा को तकलीफ पहुंचे, मनीषा को दुख हो, या मनीषा को किसी भी तरीके का आघात पहुंचे, या मुझे नहीं पता था कि मनीषा को इस लेवल तक बातें पता है, क्योंकि मुझे मनीषा की बातों से ये लगा कि मनीषा को इस लेवल तक बातें नहीं पता है, तो मैंने मनीषा को नहीं बताया। ये शायद आपकी गलती थी। गलती इसलिए थी कि जब ये सारी बातें सोशल मीडिया पे हैं, तो क्या लगता है कि मनीषा को ये बातें पता नहीं होंगी? बिल्कुल पता होंगी। और अगर मनीषा को बातें पता नहीं भी थी, तो वहां अगर मैं होती ना, मैं अगर मीडिएटर का काम कर रही होती, मैं दोनों तरफ की बातों को सुनती और दोनों तरफ की ही बातें जानती, तो सबसे पहले तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं मनीषा को सारी बातें बताती। मैं मनीषा को उस टाइम पे ही, जब फोन पे बात हो रही थी कि हाँ मनीषा ऐसे है, क्या है, कहाँ है, तो अगर मनीषा ने नहीं बताया कि मेरा पति कहाँ है, तो मैं उसे डायरेक्ट बता देती कि मनीषा तुम कुछ भी कर लेना, चाहे हाथ पैर जोड़ लेना, चाहे लड़ झगड़ लेना, चाहे कमरे में बंद कर देना, आज सचिन को घर से निकलने नहीं देना। बिकॉज देखो, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, सचिन घर से निकल के कहीं और जाने वाला है, बर्थडे पे वो अपने घर में नहीं रहने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं उसको बता देती, क्योंकि मुझे ये पता होता कि इसे इन सारी चीज़ों का अंदेशा है, इसके लिए ये कुछ भी शॉकिंग नहीं है। हाँ, इसके लिए ये एक वार्निंग साइन जरूर हो जाता कि वो वहाँ पे ही चीज़ों को कंट्रोल कर लेती। और इसी बात की शिकायत ना मनीषा को भी है कि आपने मेरे से बातें छुपाई क्यों, और जो आप फंसी भी हो ना इस सिचुएशन में, कि आपको सब ब्लेम दे रहे हैं, आपको सब ये बोल रहे हैं कि आप गेम खेल रही हो, आपकी प्लानिंग थी, आप इन सारी प्लानिंग प्लॉटिंग में शामिल हो, किसी को भी यहाँ पे नहीं पता है और किसी को जानना भी नहीं है। जिस तरीके से आप बार बार लाइव आ रहे हो और आप बार बार खुद को ही सही साबित करने पे तुले हुए हो, आप बार बार खुद को प्रूफ करने पे लगे हुए हो कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, आपकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि आपने मनीषा से बातों को छुपाया। और मनीषा से बातों को छुपाने का इंटेंशन चाहे जो भी हो, चाहे आपकी बहुत अच्छी भावनाएं रही हों कि आपको मनीषा से इस रीज़न से बातों को छुपाना है, लेकिन फिर भी मनीषा के साथ ये गलत हुआ था और वहाँ पे आपको बातों को छुपाना नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर उस टाइम पे मनीषा को ये बातें पता चली होती और वो अपने हस्बैंड को कंट्रोल करके घर में ही रख लेती, तो इतना जो भी सब कुछ रायता फैला है नवाईटी पे, ये नहीं फैला होता। उस दिन की लाइव भी शायद नहीं हुई होती और लाइव में आके जो सचिन धमकियां दे रहा था वो भी नहीं दिया होता, क्योंकि वो अपने घर में ही होता। वो सारी कम्युनिटीज़ भी नहीं आई होती और बार बार कम्युनिटीज़ डिलीट भी नहीं हुई होती, और ये जितनी भी सारी चीज़ें सामने आई हैं ना, ये कुछ भी नहीं आया होता अगर उसी दिन मनीषा और आंटी ने, मनीषा को अगर ये बात पता होती तो मनीषा ने खुद से ही ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली होती, अपने हस्बैंड को कहीं निकलने ही नहीं दिया होता, क्योंकि मनीषा को शायद से पता ही नहीं था कि उसका पति घर से निकल के कहाँ जा रहा है। हाँ, घर से निकल के जाने के बाद जब मनीषा की आपसे बात हुई और फिर जाके मनीषा को ये सारी चीज़ें पता चली, तो ऑब्वियस है मनीषा का हर्ट होना कि उसके साथ दो लोग अगर धोखा कर रहे थे ना, तो तीसरा आपने धोखा कर दिया। और मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ मनीषा की बातों से, मनीषा की फीलिंग से, कि अभी अगर वो इतना चीट फील कर रही है कि उसके साथ चीट हुआ है, उसके साथ धोखा हुआ है, तो बिल्कुल सही फील कर रही है, इसमें उसकी कोई भी गलती इस टाइम पे नहीं है। और इस सिचुएशन में ना
सबसे पहले एक रिक्वेस्ट और है कि देखो, जब कोई भी बंदा बहुत परेशानियों में फंसा होता है ना, वहाँ पे वो बंदा जब बहुत मुश्किलों में है, मनीषा की लाइफ में इससे बुरा दौर भगवान ना करे कि कभी आए, बहुत बुरा बुरा दौर मनीषा की लाइफ में है और मनीषा अपनी ज़िंदगी के बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। इवन ये तीनों लोग, मैं तीनों लोगों की बात करूँगी, तीनों ही क्यों, चारों लोग, सुमित महल भी, ये चारों ही लोग अपनी ज़िंदगी के बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। जबकि रिश्ते से विश्वास उठ जाता है, सारी चीज़ों से विश्वास उठ जाता है, उस दौर से ये लोग गुजर रहे हैं। अब उस टाइम पे ये आप अपने बीच की चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अभी एक चीज़ को सुलझा ही नहीं पा रहे हैं तब तक दूसरी चीज़ को उलझाने के लिए आप आ जा रही हैं लाइव, और आप लाइव आके आप कुछ भी, मैं नहीं बताना चाहती थी कि नाम पे आप एक रिकॉर्डिंग चला दे रही हैं जो कि एक नया ही शौक दूसरे के लिए हो जा रहा है। तो ये चीज़ें सुलझने की बजाय ना इनके बीच आपस की जो चीज़ें हैं, क्योंकि देखो जो हो गया वो हो गया, जो भी चीज़ें हो गई वो हो गई। अगर किसी ने आपको झूठा बोलना था बोल दिया तो बोल दिया, आप कुछ भी करके किसी भी सिचुएशन में खुद को प्रूव नहीं कर पाओगे, और जिसको आपको सही मानना है वो सही मानेगा, जिसको आपको गलत मानना है वो गलत मानेगा। तो क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है ना कई बार, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है यार, ये दुनिया जो है ना ये मतलब कि ये फरेब की दुनिया है, और इस मतलब और फरेब की दुनिया में अपना घाटा करके बार 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 किसी की मदद करने जाना कहीं से भी समझदारी का काम नहीं है। तो इस सिचुएशन में भी ना, इतने सेंसिटिव सिचुएशन में भी आप चुप नहीं हो रही हैं, आप बार 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 खुद को प्रूफ करने आ रही हैं। यहाँ पे हमें आपको प्रूफ नहीं देखना है कि आप कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का वेट है, मैं पब्लिक का दिमाग भी आपको बता रही हूँ ना कि पब्लिक को भी इसी चीज़ का वेट है कि कुछ भी हो, ये सिचुएशन, ये जो रायता फैला हुआ है, जो गंदगी है ना, ये यूट्यूब से जल्दी ख़त्म हो और नॉर्मल ब्लॉग्स आए सबके, किसी को भी अभी ये कंट्रोवर्सी बहुत अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, जो भी चीज़ें होनी हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है, जिनके ऊपर होनी है, वो सारा कुछ हो, क्योंकि जिन्होंने गलती की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं दोनों ही पक्षों की बात करूँगी, दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। मनीषा से सिर्फ मेरी नाराज़गी कही है, या मनीषा की बातों से मैं सहमत नहीं हूँ कि इतनी जल्दी माफ़ नहीं करना चाहिए। सचिन को भी आपको इतनी जल्दी माफ़ नहीं करना चाहिए, और मनीषा ने माफ़ किया भी नहीं है। मनीषा ने सिर्फ यही बोला है कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं मतलब डिवोर्स नहीं लेगी वो, लेकिन साथ रहेगी, साथ रहना डजन मीन कि उसने दिल से माफ़ कर दिया है। दिल से माफ़ करना इतना ईजी नहीं होता है यार, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा जितना सबको इजी दिख रहा है। हाँ, मनीषा के अंदर वो ताकत है भैया कि उसने चीज़ों को इतनी मतलब समझदारी से हैंडल करा है, पता नहीं कोई भी और होता तो वो क्या ही करता।